दोस्तों, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई जितनी बॉलीवुड को लेकर दुनिया भर में जानी जाती है, एक समय पे अंडरवर्ल्ड के लिए भी जानी जाती थी। करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे पावरफुल डॉन्स द्वारा शुरू किए गए इस अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट को दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन ने क्राइम की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक समय ऐसा था कि मुंबई पुलिस के पास हर रोज 30 से ज्यादा केवल एक्सटॉर्शन की धमकियों की कंप्लेंट्स आती थी। वहीं 2016 में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट MCOCA के अंडर 5 केसेस रजिस्टर किए थे, जिसमें केवल 2 अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड थे। उसी साल MCOCA से रिलेटेड केसेस में मुंबई पुलिस ने 41 पर्सन को अरेस्ट किया था, जिसमें से केवल 4 लोगों का ही दाऊद इब्राहिम गैंग से कनेक्शन था। दोस्तों, आंकड़ों को देख कोई भी शख्स इस बात को लेकर सोच में पड़ सकता है कि किन कारणों से मुंबई अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज में इतना ड्रास्टिक डिक्लाइन देखा गया। क्या ये प्रोकेटो गवर्नमेंट रिटेलिएशन की वजह से हुआ या पुलिस क्रैकडाउन ने उन्हें मजबूर किया? क्या अंडरवर्ल्ड ने अपने काम करने के तरीके को बदल लिया या आज मुंबई में अंडरवर्ल्ड के इंटरेस्ट का कुछ बचा ही नहीं है? दोस्तों, आज का हमारा वीडियो अंडरवर्ल्ड के इसी जर्नी पे बेस्ड है, जिसे हम उसकी जड़ों से ट्रैक करेंगे। आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि कैसे अंडरवर्ल्ड ने मुंबई में अपना राज कायम किया था और किन वजहों से मुंबई अंडरवर्ल्ड से मुक्त हो पाई। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी आजादी के पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उस समय के डॉन्स अपनी रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के सपोर्ट पे डिपेंड करते थे और इन डॉन्स में 3 सबसे पावरफुल हुआ करते थे, करीम लाला, हाजी मस्तान और वरदा राजन मुदालियर। इन तीनों डॉन्स ने 1940 से 1980 तक मुंबई अंडरवर्ल्ड को अपने कब्जे में रखा। बॉम्बे डॉक्स में ऑपरेट करने वाले करीम लाला और उसके फैमिली मेंबर ग्रुप्स को अफगान माफिया या पठान माफिया के नाम से भी जाना जाता था। कारण था कि वो अफगानिस्तान के कुनार प्रोविंस से आए हुए पश्तूंस थे। हशीश ट्रैफिकिंग, प्रोटेक्शन रैकेट्स, एक्सटॉर्शन, इलीगल गैम्बलिंग, गोल्ड स्मगलिंग एक्सेट्रा इनके मेजर सोर्स ऑफ इनकम हुआ करते थे। दोस्तों, हाजी मस्तान या मस्तान हैदर मिर्जा एक मुंबई बेस्ड तमिल मॉबस्टर था, जो मुंबई का पहला सेलिब्रिटी गैंगस्टर बना। मस्तान का जन्म 1926 में तमिलनाडु के एक गांव में हुआ और 8 साल की उम्र में वो अपने फादर के साथ मुंबई आया। कुछ सालों तक क्रॉफोर्ड मार्केट में अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयर शॉप में काम करने के बाद मस्तान ने बॉम्बे डॉक्स में एक कुली की तरह काम करना शुरू किया और यहीं से मस्तान के क्रिमिनल लाइफ की शुरुआत हुई। करीम लाला के साथ मिलकर मस्तान ने क्रिमिनल वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाई। मस्तान ने गोल्ड, सिल्वर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के स्मगलिंग से लाखों रुपए कमाए और इसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी डायरेक्टर्स के थ्रू अपने पैसे इन्वेस्ट किए। दोस्तों, वरदा राजन मुदालियर, जिसे पॉपुलरली वरदा भाई के नाम से जाना जाता था, वो एक तमिल मॉबस्टर था। एक कुली की तरह अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हुए वरदा राजन मुदालियर ने अवैध शराब बेचकर क्रिमिनल वर्ल्ड में अपना कदम रखा। आगे चलकर वरदा राजन ने हाजी मस्तान के साथ मिलकर डॉग कार्गो चुराना शुरू किया और नार्कोटिक्स ट्रेड में भी अपना हाथ डाले। दोस्तों, डॉन्स की कहानी में एक नया मोड़ दाऊद इब्राहिम के साथ आया, जिसने मुंबई के पूरे क्राइम सिंडिकेट को पलट कर रख दिया। दिसंबर 1955 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में दाऊद इब्राहिम कस्कर का जन्म एक कोंकणी फैमिली में हुआ था। दाऊद के पिता इब्राहिम कस्कर मुंबई पुलिस के हेड कांस्टेबल थे और दाऊद का बचपन सेंट्रल मुंबई के डोंगरी एरिया में गुजरा। दाऊद ने अर्ली एज से ही क्रिमिनल लाइफ में अपना नाम बनाना चालू कर दिया था। 19 साल की उम्र में दाऊद ने उस समय के डॉन हाजी मस्तान से भी दुश्मनी मोल लेने की जरूरत की। कारण था हाजी मस्तान द्वारा पठान गैंग के लड़कों से दाऊद गैंग के 2 लड़कों को पिटवाना। बदला लेने के लिए दाऊद ने हाजी मस्तान के पैसे लूटने का प्लान बनाया, लेकिन एक गलत फहमी के कारण हाजी मस्तान के पैसों की जगह मेट्रोपॉलिटन बैंक के पैसे लूट लिए। दोस्तों, वो उस दशक की सबसे बड़ी लूट थी। हालांकि इस मोड़ पे पुलिस ने दाऊद और उसके साथियों के खिलाफ कंप्लेन तो लिखी, लेकिन उसी समय मुंबई पुलिस ने दाऊद गैंग को पठान गैंग को खत्म करने में मदद करने का ऑफर भी दिया। यहां से मुंबई अंडरवर्ल्ड की नई कहानी शुरू होती है। 1988 आते आते हाजी मस्तान समेत दूसरे डॉन्स को दाऊद ने अपने क्रिमिनल और ऑर्गेनाइजेशनल माइंडसेट और मुंबई पुलिस की मदद से अंडरवर्ल्ड से बाहर कर दिया था। दोस्तों, दाऊद के अलावा मुंबई में कुछ और जाने माने क्रिमिनल्स ने अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। इसमें से एक नाम था छोटा राजन। दाऊद का ही पुराना साथी और की एड छोटा राजन ने अपनी क्रिमिनल लाइफ एक चोर और बूटलेगर की तरह राजन नायर या बड़ा राजन के अंडर की। बड़ा राजन के मर्डर के बाद उसके बिजनेस को छोटा राजन ने संभाला और आगे चलकर दाऊद के साथ काम करने लगा। छोटा राजन को भी दाऊद के बाद 1988 में इंडिया छोड़ भागना पड़ा। आगे चलकर छोटा राजन को
गैंग के अंदर की पॉलिटिक्स के कारण दाऊद से अलग होना पड़ा। मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक दूसरे बड़े क्रिमिनल का नाम है अरुण गावली। जिंदगी के शुरुआती सालों में अरुण गावली परेल और बाइकुला के टेक्सटाइल मिल्स में काम किया करता था। अरुण गावली ने फिर रामा नायक और बाबू रेशम को ज्वाइन कर उनके बाइकुला कंपनी नाम के गैंग के अंडर इलीगल लिकर डेंस ऑपरेट करने लगा। बाइकुला के दागदी चौल को अपना बेस बनाकर अरुण गावली ने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों, आजादी के पहले से ही मुंबई एक अपॉर्चुनिटी की जमीन बन चुकी थी। अंडरवर्ल्ड ने भी मुंबई द्वारा ऑफिस की गई इन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट कर अपने प्रॉफिट सिक्योर किए। दोस्तों, ये वो प्रॉफिटेबल एरा था जहां मुंबई में गैंग वॉर्स और शूटआउट्स नहीं हुआ करते थे। प्रॉफिट अर्न करने के लिए अंडरवर्ल्ड के कई सोर्स ऑफ इनकम्स थे, जैसे गैम्बलिंग, हफ्ता वसूली, इलीगल लिकर और स्मगलिंग। इनमें इलीगल लिकर और स्मगलिंग अंडरवर्ल्ड के मेजर इनकम सोर्सेज हुआ करते थे और गैंग्स के नेट टर्नओवर का एक बड़ा चंक इन्हीं सोर्सेज द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता था। आइए इन दोनों सोर्सेज के पीछे की कहानी को समझते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में लिकर को इलीगल डिक्लेयर करने की हिस्ट्री से पहले तक जाती है। महात्मा गांधी लिकर और किसी भी तरह के इंटॉक्सिकेंट्स के स्ट्रिक्ट अपोजर थे। गांधीयन प्रिंसिपल को अपने लेजिस्लेशन में अकोमोडेट कर 1939 में बॉम्बे प्रोविंस की कांग्रेस गवर्नमेंट ने पहली बार स्टेट में लिकर प्रोहिबिट किया था। इंडिपेंडेंस के बाद 1949 में चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने तब के बॉम्बे स्टेट, जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को कंप्राइज करता है, वहां बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया। ये मेजर्स इतने स्ट्रिक्ट थे कि उस समय के कफ सिरप्स भी बैन कर दिए गए थे क्योंकि उनमें अल्कोहल हुआ करता था। स्टेट गवर्नमेंट के इस प्रोहिबिशन ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के आगे एक नई अपॉर्चुनिटी खोल दी। शराब के अवैध व्यापार ने मुंबई के डॉन्स के लिए ह्यूज प्रॉफिट्स इंश्योर किए। गवर्नमेंट बैन के कारण अल्कोहल के प्राइस मुंबई में आसमान छूने लगे और शराब की ब्लैक मार्केटिंग एक थ्राइविंग बिजनेस बन गया। इलीगल लिकर डेंस शहर और स्टेट के कई लोकेशन पे खुलने लगे। समय के साथ साथ ये वो बिजनेस बना जिसमें शराब बनाने वाले से लेकर ग्लास में सर्व करने वाले तक हर कोई अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा था। समय के साथ ये बिजनेस पूरे महाराष्ट्र और गुजरात में स्प्रेड कर गया, जहां गवर्नमेंट ने लिकर की सेल पर बैन लगा रखा था। करीम लाला और वरदा भाई जैसे डॉन्स ने इस बिजनेस से अपना फॉर्च्यून बदला। बूटलेगिंग के साथ एक और पॉपुलर बिजनेस इन सेंटर्स पे उभरा, इलीगल गैम्बलिंग सिस्टम, जिसे लोकल लैंग्वेज में मटका कहा जाने लगा। इस बिजनेस ने भी मुंबई में थ्राइविंगली परफॉर्म किया। दोस्तों, हमें पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के टर्म्स में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी परस्यू की थी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए और इंडियन मार्केट को फॉरेन गुड्स से फ्री रखने के लिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। जहां एक और कुछ आइटम्स पे गवर्नमेंट ने टैरिफ्स इम्पोज किए थे, वहीं कुछ आइटम्स के इम्पोर्ट पे टोटल बैन था या क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस थे। मुंबई अंडरवर्ल्ड ने इस सिचुएशन में भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। ऐसे कई आइटम्स, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक और लग्जरी बेस्ड, जिनके इम्पोर्ट्स पे गवर्नमेंट ने प्रोहिबिशन लगा रखा था, वो लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ वेल्थ बन गई। परफ्यूम से लेकर रेडियो तक, ये सारे आइटम्स की डिमांड सिटीजन्स में बढ़ती चली गई। अंडरवर्ल्ड ने इस डिमांड का फायदा उठाकर इन गुड्स को मुंबई और आसपास के पोर्ट्स में इलीगली इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, जहां से इसकी सप्लाई दूसरे शहरों में होने लगी। देखते ही देखते स्मगलिंग का बिजनेस लगभग सारे आइटम्स में होने लगा जिनके इम्पोर्ट्स पे गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। मुंबई में कई वेयर हाउसेस एस्टैब्लिश कर दिए गए जहां इन स्मगल्ड गुड्स को रखा जाने लगा। लग्जरी आइटम्स के सिवा गोल्ड और सिल्वर की स्मगलिंग भी समय के साथ एक ल्यूक्रेटिव ट्रेड बनकर उभरी। टैक्स एवेड करने के बाद गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में मार्केट के कंपेयर्ड एक सिग्निफिकेंट मार्जिन दिखा और इसी प्राइस डिफरेंस ने स्मगलर्स को इस ट्रेड की तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, इन रास्तों से मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए पैसे कमाना एक आसान रास्ता था। ट्रेडर्स के इन मेथड्स के अगेंस्ट ऑल्दो समय समय पे गवर्नमेंट और पुलिस द्वारा एक्शंस लिए जाते थे, लेकिन मेथड्स में कोई मर्डर और शूटआउट जनरली इन्वॉल्व नहीं होता था, जिस कारण क्रिमिनल केसेस रजिस्टर नहीं होते थे। इवन कोस्टल रीजन्स जहां स्मगल्ड गुड्स स्मगलर्स द्वारा इंपोर्ट किया जाता था और वैसी लोकेलिटीज जहां शराब के अवैध अड्डे चला करते थे, हर फिक्स ड्यूरेशन या डील के बाद पुलिस को उनका फिक्स शेयर पहुंचा दिया जाता था। इस अरेंजमेंट से एक और पुलिस वाले भी खुश रहते थे और डॉन्स के दरवाजे पे भी कानून द्वारा कोई नॉक नहीं किया जाता था। देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्मगलिंग शुरू कर दी कि उन्होंने एक पैरेलल इकोनॉमी सिस्टम क्रिएट कर लिया। इस फ्लो ऑफ मनी का शेयर पॉलिटिशियंस के हाथ भी लगा। मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिशियंस के बीच के रिश्ते खुलकर सामने आए। इसके दो बड़े कारण थे, अंडरवर्ल्ड द्वारा दिए जाने वाला पैसा और अपने रिस्पेक्टिव एरिया से कंसोलिडेट किए जाने वाला वोट।
मुंबई के डॉन्स ने पॉलिटिशियंस को इन दोनों ऑफरिंग्स की ट्रिब्यूट दी, जो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए इंडिया जैसे हाईली अनइक्वल डेमोक्रेसी में सबसे बेस्ट सपोर्ट हो सकती थी। हर कंसाइनमेंट के साथ आने वाले पैसों ने जहां पॉलिटिशियंस को इलेक्शन फाइट करने के लिए रिसोर्सेज दिए, वहीं इलेक्शन के दौरान डॉन्स द्वारा सपोर्ट मिलने पे उन पॉलिटिशियंस के जीतने के चांसेस और मजबूत होने लगे। पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से अंडरवर्ल्ड ने भी गवर्नमेंट मशीनरी से अपने आप को सिक्योर करवाया और इस तरह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड ने समय के साथ अपना मॉडस ऑपरेंडी सिक्योर किया। दोस्तों, एक के बाद एक क्रिमिनल वर्ल्ड में आए इन डॉन्स ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को क्राइम की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जहां मुंबई पुलिस में अपने पहचान की वजह से दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के ऑपरेशंस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहा था, वहीं अरुण गावली जैसे गैंगस्टर्स पॉलिटिक्स का रास्ता चुनकर खुद को कानून से ऊपर मानने लगे थे। इस मोड़ पे यूं लगता था जैसे मुंबई अब हमेशा के लिए इन गैंग्स के कंट्रोल में रहने वाली है। जो किस्सा 1940 से शुरू हुआ था उसका कोई अंत नहीं होगा, लेकिन 1990s में मुंबई ने कुछ ऐसे इवेंट्स देखे जिसने उस शहर को और वहां बेस्ड अंडरवर्ल्ड की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, हम उन की इवेंट्स की बात कर रहे हैं जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड पे अपना एक ना मिटने वाला इम्पैक्ट डाला और इसके बाद जो दौर आया उसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को बिखेर कर रख दिया। दोस्तों, 1990s में एक इवेंट हुआ जिसे गवर्नमेंट ने सोलली अपने इंटरेस्ट के लिए इम्प्लीमेंट किया था और अंडरवर्ल्ड से उसका कोई नाता नहीं था, लेकिन इस इवेंट ने अंडरवर्ल्ड को उनके मोड ऑफ ऑपरेशंस को बदलने पे मजबूर कर दिया। अपने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 1980s से ही डाउनवर्ड ट्रेंड पे थे। 1990s आते आते ये सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि नेसेसरी इम्पोर्ट्स के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं बचे। इस क्राइसिस में पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए। इन रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी को लिबरलाइज और ग्लोबलाइज किया। जब इंडियन इकोनॉमी को फॉरेन गुड्स के लिए ओपन किया गया तो इंडियन मार्केट्स फॉरेन प्रोडक्ट से भर गए। वो गुड्स जो इन रिफॉर्म्स से पहले हाई टैरिफ्स की वजह से कॉस्टली बिकते थे, रिफॉर्म्स ने उन्हें आम आदमी की रीच में ला दिया। साथ ही इन रिफॉर्म से पहले गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के तहत कई आइटम्स के इंपोर्ट पर रोक लगा रखी थी, जो 1991 के बाद हटा दी गई। दोस्तों, हमने पहले ही देखा कि मुंबई अंडरवर्ल्ड के लिए स्मगलिंग इनकम का एक मेजर सोर्स हुआ करती थी। हाजी मस्तान से लेकर दाऊद इब्राहिम तक स्मगलिंग उनके फाइनेंस का एक मेजर बैकबोन था, लेकिन 1991 में इंट्रोड्यूस हुए एलपीजी रिफॉर्म्स ने अंडरवर्ल्ड के इस बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वो आइटम्स जिन्हें स्मगल कर अंडरवर्ल्ड ह्यूज अर्निंग्स करता था, रिफॉर्म्स के कारण मार्केट में लीगली बिकने लगे और क्राइसिस के कारण उनकी जो इम्पोर्टेंस थी वो ह्यूज अवेलेबिलिटी के कारण पूरी तरह खत्म हो गई। रिफॉर्म्स ने पहले के स्मगल किए गए लग्जरी गुड्स को अब आदमी के रीच तक लीगली पहुंचाना चालू कर दिया था। इस चेंज इकोनॉमिक सिचुएशन ने अंडरवर्ल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल कर रख दिया और अंडरवर्ल्ड द्वारा दूसरे सोर्स ऑफ इनकम्स को सिक्योर करने के लिए डेस्परेशन देखा जाने लगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में लिकर प्रोहिबिशन लॉज भी डाइल्यूट होने लगे और महाराष्ट्र से गुजरात के अलग हो जाने के बाद इन लॉज के सपोर्ट में पॉलिटिकल विल भी कम होती चली गई। इसका सीधा इम्पैक्ट अंडरवर्ल्ड द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले इल्लीगल लिकर ट्रेड पे पड़ा। एक समय पे जिस सोर्स से मुंबई के डॉन्स ह्यूज सम्स अर्न करते थे, लिकर के लीगलाइज होने से उनकी अर्निंग धीरे धीरे रुकने लगी। अपने लॉसेस को कवर करने के लिए क्रिमिनल्स ने पहले से ज्यादा एग्रेसिव एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग और मर्डर्स की ओर अपना रुख कर लिया। पहले जहां ये क्राइम्स एक छोटे रूप में की जाती थी, स्मगलिंग के बंद हो जाने और लिकर के लीगलाइज होने के बाद से मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अपना सारा ध्यान इन्हीं पर फोकस कर लिया। दोस्तों, फंड क्रंच के चलते अंडरवर्ल्ड ने मुंबई की जनता पे इतना जोर डाला कि पुलिस स्टेशन में एक दिन के अंदर 30 से ज्यादा केवल एक्सटॉर्शन के कंप्लेंट्स आने लगे। मुंबई जैसे महानगर में तब कोई मर्सिडीज या ऐसी किसी गाड़ी में घूमने वाला शख्स नहीं बचा था जिसे एक्सटॉर्शन के कॉल ना आए हों। मुंबई अंडरवर्ल्ड ने अपना फोकस बिजनेसमैन और बिल्डर क्लास के ऊपर केंद्रित किया। इसके अलावा अंडरवर्ल्ड का आसान शिकार बनी बॉलीवुड। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स, यानी बॉलीवुड से जुड़ा हर वो शख्स जो उन्हें एक्सटॉर्शन पे कर सकता था, मुंबई अंडरवर्ल्ड की नजरों में आ गया था। दोस्तों, इस डोमेन में एक बड़ा इवेंट गुलशन कुमार का मर्डर बना। एक्सटॉर्शन मनी देने से रिफ्यूज करने पे टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के फाउंडर गुलशन कुमार की डी कंपनी के लोगों ने अगस्त 1997 में हत्या कर दी थी। इस मर्डर ने बॉलीवुड समेत पूरे देश को एक बड़ा शॉक दिया, जहां एक और मुंबई अंडरवर्ल्ड और स्पेशली डी कंपनी ने अपनी ओर से ये मैसेज क्लियर कर दिया कि चाहे वो कोई भी हो, उनकी पहुंच से बाहर नहीं है। ये इवेंट गवर्नमेंट, पुलिस और बॉलीवुड की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन का कारण बनी। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के डाउनफॉल का अगला कारण था
कम्युनलिज्म। 1990 से पहले अंडरवर्ल्ड रिलीजियस लाइंस पे कभी नहीं बटा था। हिंदूज मुस्लिम लीडर के अंडर काम करते थे और मुस्लिम्स हिंदूज लीडर के अंडर। एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना और फैमिली लेवल टाइज मुंबई अंडरवर्ल्ड की खासियत थी। इंडिया से भाग निकलने के बाद ISI और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से करीब आने पे दाऊद और इसके कारण दूसरे गैंग्स रिलीजियस लाइंस पे बटने लगे और अंत में अंडरवर्ल्ड में कम्युनलिज्म ने अपने पाँव पसार लिया। खुद दाऊद के क्लोज रहे छोटा राजन ने कम्युनलिज्म और नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट दाऊद के स्टैंड का रीजन बताकर खुद को डी कंपनी से अलग कर लिया। इसी समय देश के बदलते माहौल के कारण भी मुंबई के लोकल गैंग्स रिलीजन के बेसिस पर बटने लगे। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई तो देश भर में दंगे हुए और इन दंगों से मुंबई भी बच नहीं पाया। बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद मुंबई में जो दंगे हुए वो उसके इतिहास के सबसे ब्लडीएस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स में से एक थे। महीने भर से ज्यादा चले इन दंगों में मुंबई की आम जनता ने सड़कों पे हर रोज खून बहता देखा। इन राइड्स में मुंबई के स्लम ड्वेलर्स ने सबसे ज्यादा सफर किया जिसमें ज्यादातर मुस्लिम्स थे। दाऊद गैंग ने ISI के प्रेशर में इन राइड्स को मुंबई पे अटैक करने का कारण बनाया। पाकिस्तान से स्मगल किए गए बॉम्ब्स और आर्म्स के साथ दाऊद ने टाइगर और याकूब मेमन के साथ मिलकर इन राइड्स के अगेंस्ट मुंबई में कई बॉम्ब ब्लास्ट प्लान किए। साल था 1993। 12 मार्च 1993 को हुए 12 बॉम्ब ब्लास्ट ने मुंबई समेत पूरे देश को हिला दिया। केवल गवर्नमेंट और पब्लिक ही नहीं, खुद मुंबई अंडरवर्ल्ड के दूसरे डॉन्स भी इस अटैक से शॉक में थे। दोस्तों हालांकि इन ब्लास्ट के पीछे दाऊद ने मुंबई में हुए राइड्स के तहत मारे गए मुस्लिम्स के बदले का कारण बताया, लेकिन हकीकत में इन ब्लास्ट के रिटर्न में पाकिस्तान ने दाऊद को स्मगलिंग और नारकोटिक्स ट्रेड के लिए अपना टेरिटोरियल वाटर्स का एक्सेस दिया। इन ब्लास्ट से मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी पूरी तरह बदल गई। अभी तक जिन माफिया और डॉन्स को क्रिमिनल की नज़र से देखा जाता था वो समाज के अनक्राउडेड रखवाले हुआ करते थे, इन ब्लास्ट ने उन्हें टेररिस्ट बना दिया। मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद और उसके गैंग को मुंबई शहर ने अपना माना था। इस एक डिसीजन ने उसे देश का दुश्मन बना दिया। दोस्तों इस ब्लास्ट ने गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस को जड़ से हिला दिया था और उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिस एग्रेशन के साथ अंडरवर्ल्ड के विरुद्ध कार्रवाई की मुंबई के डॉन्स उसके सामने नहीं टिक पाए। मुंबई पुलिस ने इसके बाद कई रिफॉर्म्स अपनाए और हर एक का मकसद था मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया। दोस्तों यदि इन सारे इवेंट्स को एक चेन में देखा जाए तो इस बात को समझा जा सकता है कि अंडरवर्ल्ड ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो जाने अनजाने में उनके डाउनफॉल का रीजन बनी। पहले तो LPG रिफॉर्म्स का कारण अंडरवर्ल्ड की अर्निंग पे चोट लगी और उनके द्वारा पॉलिटिशियंस को प्रोवाइड की जाने वाली फंडिंग भी रिड्यूस हो गई। जहां इससे पहले फंड्स के कारण पॉलिटिशियंस अंडरवर्ल्ड द्वारा क्रिएट किए गए मेस को इग्नोर कर दिया करते थे, अब उनके पास ऐसा कोई बार्गेनिंग चिप नहीं रहा। और इसके बाद 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट ने समाज को भी इनके खिलाफ खड़ा कर दिया था। इन सब के बीच जब अंडरवर्ल्ड ने एक्सॉर्शन को अपना मेजर सोर्स ऑफ इनकम बनाया तो इनके टारगेट पे थे बिजनेसमैन, रियल स्टेट बिल्डर्स और नामी गिरामी हस्तियां। जैसे ही अंडरवर्ल्ड ने इन पे अपना जोर बढ़ाया, इन सब ने मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल लीडर्स पे प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। गुलशन कुमार और इन जैसे कई मर्डर्स के कारण पहले से बदनामी झेल रही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डाला कि अंडरवर्ल्ड का सफाया अब उनकी मजबूरी बन चुका था। पॉलिटिकल लीडरशिप के पास भी अब अंडरवर्ल्ड को इग्नोर करने के लिए कोई कारण नहीं था और साथ ही 1993 बॉम्ब ब्लास्ट एक ऐसा इवेंट था जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। साथ ही स्मगलिंग और इलीगल लिकर ट्रेड के बंद होने से पुलिस को सप्लाई किए जाने वाले फंड्स भी रुकने लगे थे। इसके बाद गवर्नमेंट और मुंबई पुलिस ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने शुरू कर दिए जिसने मुंबई से अंडरवर्ल्ड के पांव उखाड़ दिए। गवर्नमेंट के एक्शंस के कारण गैंग्स बिखरने लगे, क्रिमिनल्स सरेंडर करने लगे क्योंकि उन्हें पता था इस रास्ते का अंत क्या है। समय के साथ अंडरवर्ल्ड मुंबई की आम जिंदगी से दूर होता गया और लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने में पुलिस कामयाब हुई। इस मोड़ पे ये कहना गलत होगा कि मुंबई की सारे गैंग्स डिसबैंड हो गए तो कोई लोकल डॉन नहीं बचा, लेकिन ये डॉन्स प्रीवियस अंडरवर्ल्ड के मुकाबले कुछ भी नहीं रहे। इनमें भी ज्यादातर क्रिमिनल्स ने अपना एक दायरा बना लिया और प्रीवियस अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट किए गए मुंबई पुलिस के एक्शन को भूलकर उससे बाहर निकलने की कभी हिम्मत नहीं की। दोस्तों इस पूरी टर्मोइल में सबसे अहम भूमिका मुंबई पुलिस की रही जिसने एक्चुअल ग्राउंड्स पे अंडरवर्ल्ड से हेड टू हेड फाइट किया। लेट 1980s और 1990s में दाऊद इब्राहिम गैंग से सामना करते हुए मुंबई पुलिस की डिटेंशन यूनिट चर्चा में आई। दाऊद के अलावा इस यूनिट में अरुण गावली और अमर नायक गैंग पे भी अपना दबाव बनाया। मुंबई पुलिस की इस यूनिट को एनकाउंटर स्क्वाड भी कहा जाता था। कारण था वास्ट नंबर ऑफ एनकाउंटर्स में इस स्क्वाड का प्रोमिनेंट रोल।
जैसे जैसे एनकाउंटर्स बढ़ते गए, इन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती चली गई। इस एनकाउंटर स्क्वाड ने अंडरवर्ल्ड का मोराल डाउन करने में भी अहम भूमिका निभाई। इस स्क्वाड ने उन गैंगस्टर्स के अंदर भी मौत का डर जगाया जो आज तक दूसरों की जिंदगी की अहमियत नहीं समझते थे। दया नायक, विजय सलास्कर, असलम मोमीन, प्रदीप शर्मा, सचिन वाजे, प्रफुल भोसले और संजय कदम जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कल्ट फाइटर्स की तरह उभरे। इन ऑफिसर्स में एक बड़ा चंक मुंबई पुलिस एकेडमी से 1983 में पास हुए ऑफिसर्स का था, जिन्हें द बैच ऑफ 1983 के नाम से बुलाया जाने लगा। इन ऑफिसर्स में प्रफुल भोसले, रविंद्रनाथ अंग्रे, विजय सालास्कर, प्रदीप शर्मा और असलम मोमीन शामिल थे। इनकी ट्रेनिंग पुलिस ट्रेनिंग स्कूल नासिक में फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरविंद इनामदार के अंडर हुई थी, जिन्हें अपने रेजिमेंट और एक्सलेंस ट्रेनिंग के लिए जाना जाता था। 1982 से इन एनकाउंटर्स की चेन स्टार्ट हुई, जिसकी शुरुआत पुलिस ऑफिसर्स राजा तंबत और इसाक बागवान ने वडाला में गैंगस्टर मान्या सुर्वे के एनकाउंटर के साथ की। इस सीरीज में 1991 में लोखंडवाला में हुए एनकाउंटर ने दाऊद गैंग को बड़ा झटका दिया, जब एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस रहे आफ्ताब अहमद खान ने माया डोलास नाम के गैंगस्टर को पर्सनली लीड कर एनकाउंटर में मार दिया। माया उस समय दाऊद का एक खास एड हुआ करता था और इस एनकाउंटर ने भी मुंबई अंडरवर्ल्ड को सीरियस सेटबैक ऑफर किया। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट केस को सॉल्व करने में भी इस स्क्वाड ने इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। इस स्क्वाड ने अपने टेन्योर में 500 से भी ज्यादा गैंगस्टर्स को एलिमिनेट किया और 2004-05 आते आते मुंबई से अंडरवर्ल्ड का सफाया कर दिया। दोस्तों, आज मुंबई अंडरवर्ल्ड एक ट्रांसफॉर्म वर्जन के साथ सर्वाइव कर रहा है, लेकिन पिछले 30 सालों में गवर्नमेंट के चेंज एटीट्यूड ने इस बात को साफ कर दिया है कि यदि पॉलिटिकल विल हो तो कोई भी क्रिमिनल कानून की पहुंच से बाहर नहीं है। मुंबई अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट भी इस पॉलिटिकल विल ने सेटिस्फाइंग रिजल्ट डिलीवर किया। मुंबई पुलिस और जुडिशरी के ईज के लिए 1999 में इंट्रोड्यूस किए गए महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट ने क्रिमिनल्स की कमर तोड़ दी। साथ ही ऐसे प्रोविजंस जिनके कारण गैंगस्टर्स को इजीली बेल मिल जाती थी उन्हें रेक्टिफाई किया गया। कुछ लोकल गैंगस्टर जैसे रवि पुजारी गैंग और एजाज लकड़ावाला गैंग मुंबई पे अपनी पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस की चुनौतियों के खिलाफ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इतने सेटबैक के बावजूद मुंबई ने कभी अपनी स्पिरिट टूटने नहीं दी। कई बॉम्ब ब्लास्ट अटैक्स देखने के बाद भी मुंबई आज अपने पैरों पे खड़ी है और डेवलपमेंट के रास्ते पे तेजी से चल रही है। 1992 से 1993 के बीच हुए राइट्स और कम्युनल डिफरेंसेस से भी मुंबई आज काफ़ी आगे निकल चुकी है और यहाँ का माहौल एक ट्रूली इंक्लूसिव सोसाइटी को शो करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।